So good morning, everyone. आज का हमारा टॉपिक जो है, हमने जैसे बताया गट हेल्थ के ऊपर है, तो गट हेल्थ को समझना है, ये रिलेट करता है सबसे पहले हमारे डाइजेशन के साथ। तो डाइजेशन अगर हमारा सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, माइंड भी सही नहीं है, बॉडी भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो डिपेंड करती है हमारे डाइजेशन पे। ओके, कई लोगों को आपने देखा होगा डाइजेशन के कारण ही बहुत सारी इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले गट हेल्थ की हम बात करेंगे। गट हेल्थ हमारा डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट है, जिसको बोला जाता है सिटी ऑफ माइक्रोफ्लोरा, जिसमें हमारी हमारी गट हेल्थ में बहुत तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, राइट। तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? गुड बैक्टीरिया हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जो फूड आ रहा है बाहर से उसको सही जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं। और जो बैड बैक्टीरिया है, नाम ही ऐसा है बैड बैक्टीरिया, तो बैड बैक्टीरिया का काम जो उल्टा है। बैड बैक्टीरिया का क्या काम है? जो फूड ऑलरेडी पड़ा है बॉडी में, मतलब उसको या तो डाइजेस्ट नहीं होने देते, या वो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यू क्रिएट करते हैं, और गैस्ट्रिक इश्यू क्रिएट करने के साथ साथ वो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, डाइजेशन जो है हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। ओके, और वो जब बैड बैक्टीरिया बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाता है। इसको किस तरह से समझ सकते हैं? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मुझे ये इशू था, क्योंकि मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर करूंगा। मुझे क्या रहता था कि जब भी कुछ खाता था बाहर से, स्पेशली बाहर से आउटर फूड, जिसमें कि जो हो सकता है स्नैक्स हो सकता है या कुछ बाहर का जंक फूड हो सकता है, तो हमारी बॉडी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि हम जंक फूड खा रहे हैं या कुछ बाहर का फूड खा रहे हैं, तो हमें अगर वंस इन ए वीक या 10 दिन में एक बार खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को इश्यूज नहीं होने चाहिए, राइट। लेकिन मुझे क्या होता था कि जब भी मैंने कोई आउटर फूड खाना, या तो मुझे गैस्ट्रिक इश्यू होने शुरू हो जाते थे या मुझे कोई डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी। इसके लिए मैंने बहुत कुछ यूज किया बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। तो जब हमारा सिंपली प्रोबायोटिक्स, आपको पता होगा हमारा एक प्रोडक्ट है सिंपली प्रोबायोटिक्स, तो सिंपली प्रोबायोटिक्स में एक चीज लिखी थी, 1 बिलियन गुड बैक्टीरियाज इन 1 सैशे, जो उसका एक छोटा सा सैशे होता है उसमें 1 ग्राम पाउडर होता है। तो 1 ग्राम पाउडर हमें 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया देता है। तो वो मैंने इस पर्पज से यूज किया था, क्योंकि हम हर्बल लाइफ का जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, या हम सब जितने भी एसोसिएट्स हैं सभी न्यूट्रिशन यूज करते हैं, तो मैंने इस पर्पज से यूज किया कि ये नया प्रोडक्ट है, हमें यूज करके इसके रिजल्ट्स देखने चाहिए। तो मैंने इस न्यूट्रिशन जब सिंपली प्रोबायोटिक्स को यूज किया, तो मेरे जो इशू था कि मैं जंक खाता था, जब भी कुछ खाता था वो मुझे गैस्ट्रिक होने शुरू हो जाते थे, लेकिन उसके जैसे ही मैंने वो इनटेक करना शुरू किया, मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज बिल्कुल खत्म हो गए, मेरी लाइफ में गैस्ट्रिक इश्यूज का नाम ही खत्म हो गया। तो ये है गुड बैक्टीरियाज का काम। तो गुड बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपकी बॉडी में अगर कहीं से जो जंक है, जो फूड बॉडी के लिए बाय चांस अच्छा भी नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने का काम भी हमारी गट हेल्थ करती है। तो अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी ना हो, जिनको लगता है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो इसका रिलेट सीधा माइंड से होता है कि आपको स्ट्रेस तक ये लेके जा सकता है, मतलब स्ट्रेस इश्यूज भी रह सकते हैं या और इश्यूज भी होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब रहे, या हमारा कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत बुरा असर डालता है। आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, आपका गैस्ट्रिक इश्यू, आपका अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, और फोकस नहीं कर पाएंगे, कहीं से किसी चीज को समझने में इश्यूज आने शुरू होते हैं, क्योंकि ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है। क्यों सही से काम नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, और वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है ना हमारे माइंड से। तो ये सब चीजें हमारी गट हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से आती, हमारी गट हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से ये इश्यूज आने हमें शुरू हो जाते हैं। तो गट हेल्थ अच्छी करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है सिंपली प्रोबायोटिक्स। सिंपली प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया जाते हैं डेली, और सिंपली प्रोबायोटिक्स इतना बेस्ट है कि कहा जाता है, जब मैंने इस बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसमें कहा जाता है कि बैक्टीरियाज बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर इसको मतलब जो चीज आप खा रहे हैं वो अगर गर्म पानी में ली जाए, जैसे गुड एग्जाम्पल देता हूँ, जो एक एग्जाम्पल है दही, योगर्ट या दही की बात कर लेते हैं, इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन दही कभी गर्म खाई है आपने? योगर्ट गर्म खाया है? नहीं खाया होगा, ऑब्वियसली नहीं खाया होगा। तो क्यों? क्योंकि जब ये चीजें गर्म होती हैं, इसका जो टेम्परेचर है ज्यादा होगा,
तो क्या होगा, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो जल जाएंगे, वो तो हमारी बॉडी को गुड बैक्टीरियाज नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा सिंपली प्रोबायोटिक्स इतना बेस्ट है, और ओके तो हमारा सिंपली प्रोबायोटिक्स इतना बेस्ट है कि अगर आप उसको ऑफ्रिज में, गर्म ऑफ्रिज में डाल के ले रहे हैं, या शेक में डाल के ले रहे हैं, गर्म पानी में डाल के ले रहे हैं, उसके बैक्टीरियाज को कोई नुकसान नहीं। तो वो ठंडे गर्म पानी किसी तरीके से भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बार ये मुझे कैसे पता लगा था, मैंने एक बार अपना वीडियो शेयर किया था, मुझे नीचे एक कमेंट आया था कि प्रोबायोटिक्स गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने इसके बारे में दोबारा रीड किया तो मुझे उसमें ये चीज नजर आई, पढ़ा मैंने हर्बल लाइफ के साइट में जाके कि इसको गर्म पानी या ठंडे पानी में कैसे भी ले सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितना बेस्ट न्यूट्रिशन हम यूज कर रहे हैं। और सिंपली प्रोबायोटिक्स के साथ अगर हम एलो कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं, मतलब एक ड्रिंक सुबह बना लेते हैं जिसमें सुबह सुबह जो हम पानी पीते हैं तो उसमें 2 कैप एलो कॉन्सेंट्रेट एंड 1 सिंपली प्रोबायोटिक डाल के वो वाला ड्रिंक अगर सुबह 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 पीते हैं, तो आपकी जो डाइजेशन है, जो गट हेल्थ है आपका, वो सुबह सुबह करेगा आ हा, मतलब मजा ही आ गया कि आपने दे दिया मुझे सुबह सुबह ना। तो ये एक्सपीरियंस आपका गट हेल्थ करने वाला है, राइट? अगर ये आपका ड्रिंक सुबह सुबह होता है तो एक हर्बल लाइफ के साइट पे आप सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में एक वीडियो भी है, वो भी जाके देखिएगा। उसमें भी आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि किस तरह से हमारी गट हेल्थ काम करती है, राइट? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, मैंने अपना गट हेल्थ का रिजल्ट शेयर किया है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं मुझे। सीरियसली मेरे मेरा मेन जो इशू था हर्बल लाइफ में आने के लिए, मेरे गैस्ट्रिक इश्यूज थे, ये यहाँ पे आके रिजोल्व हुए। तो मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया था। पहले 3 दिन मैंने अपना 2.25 किलो वेट रिड्यूस किया था, और 1 महीने में मैं अपना 8 किलो रिड्यूस किया, और अभी तक टोटल 11 kg फैट लॉस कर चुका हूँ, और अभी तक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करती है। थैंक यू।